तो नमस्ते जनता और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और अभी मैं जस्ट अपनी मम्मी को छोड़ के आया हूँ और अभी हम लोग जाने वाले हैं डेंटिस्ट के पास क्योंकि हम लोग को वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी है पापा के लिए क्योंकि पापा के दांतों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और अभी हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। आज मौसम सुबह अच्छा है, ज्यादा धूप नहीं है, हल्की हल्की सी धूप है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है। मैं अच्छा लग रहा हूँ, मतलब थोड़ा प्रेजेंटेबल लग रहा हूँ, मतलब पिछले कुछ दिनों से जो बाल वगैरह मतलब जो मेरे बड़े बाल थे वो तो मेरे से संभल नहीं रहे थे, पहले मैंने कटवा दिया और अब मुझे लग रहा है कि मैं ठीक लग रहा हूँ। तो ठीक है, अभी हम लोग वहाँ चलते हैं, सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग घर चलते हैं। और जितने लोगों ने अभी तक हेयर कट ब्लॉग नहीं देखा है जाके बड़े बड़े वो भी चेक कर लो, यहीं कहीं उसका लिंक आ जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पे पिछली वीडियोस में जाके ब्लॉग सीरीज है, ब्लॉग सीरीज में जाके मेरे सारे ब्लॉग चेक कर सकते हो, फटाफट जाओ और चेक करो। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी सोशल डेंटल क्लिनिक के बाहर और अभी हम लोग जाएंगे अंदर फटाफट और हम लोग फिर अपॉइंटमेंट ले लेंगे, फिर हम लोग घर जाते हैं। लेट्स गो इनसाइड। चलो आपको क्या लेना है? अपॉइंटमेंट लेनी थी क्लिनिक के लिए। क्लिनिक के लिए? हां जी। डॉक्टर मनोज सिंह, मिस्टर मनोज सिंह जी। बस तो बड़ी जल्दी हो गया, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, मैं तो बस अंदर गया, मैंने बोला और वो डन, मैंने बोला हाँ ठीक है स्लॉट डन, बराबर घर चलते हैं, अब घर जाके मिलता हूँ। पहुंच चुके हम लोग घर, हम लोगों ने डेंटल अपॉइंटमेंट भी ले लिया और आते हुए मुझे लक्की से आटा उठाना था, मैंने वो भी उठा लिया। अभी हम लोग घर में हैं, अभी मैं थोड़ी देर बैठूंगा, उसके बाद मैं ब्लॉग एडिट करूंगा, मे बी मैं आज उसको शाम को शेड्यूल पे लगा दूंगा ताकि वो कल अपलोड हो सके। मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो अभी मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था लेकिन यार मुझे इतनी नींद आ रही है, मेरी आंख ऐसी भारी हो रही है। कल रात को मैं 12:30 बजे सोया था और मैं सुबह 6:30-7 के आसपास उठ गया था, तो नींद ऐसा लग रहा है कि पूरी नहीं हुई है और बड़ी थकान से हुई। मैं भी शायद मैं भी थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगा, लेटूंगा ये सोऊंगा तो नहीं, फिर उसके बाद उठ के मैं ब्लॉग को एडिट करना कंटिन्यू करूंगा। A few moments later. अभी बाहर वैसे हल्की हल्की सी धूप तो हो रखी है लेकिन हवा देखो कितनी तेज चल रही है, वो देखो झंडा कैसे उठ रहा है, तो मस्त पागल बनाते हैं लोग भी। दिखा रखा है कि बारिश हो रही है वेदर फोरकास्ट में और बाहर धूप भी पड़ी है। तो अभी मैंने फोन थोड़ी देर चार्ज में लगाया हुआ था और तब तक मैं मूवी देख रहा था। अब टाइम हो चुका है 2 दोपहर के और अब मुझे लग रही है भूख, तो आई थिंक पहले लंच कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे और थंबनेल भी बनाएंगे। तो अभी पहले लंच कर लेते हैं, तो फिर हम लोग पहले अभी खाना गर्म करेंगे थोड़ा सा क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा है, तो पहले हम लोग खाना गर्म करेंगे फिर खाते हैं, फिर उसके बाद लोग एडिट करने दोबारा बैठते हैं, फटाफट काम खत्म करके फिर हम लोग बाहर भी जाएंगे रील वगैरह बनाने के लिए, या मे बी पहले फटाफट खाना खा लेते हैं। तो जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि मौसम बहुत ही ज्यादा प्यारा हो रखा है, मैं अभी छत पे था, मैंने ब्लॉग एक्सपोर्ट पे लगा रखा है, मतलब कि ब्लॉग का मेनली काम सब कुछ हो चुका है, ब्लॉग अब एक्सपोर्ट होगा, अभी उसको सिर्फ थंबनेल बनाना रह गया, बाकी सब कुछ डन। मैं ऑनेस्टली बहुत थक गया हूँ और कल मेरी नींद भी अच्छे से नहीं पूरी हुई थी, लेकिन हाँ अब मैं सो जाऊंगा आज रात को टाइम से। मैंने खाना खा लिया लेकिन सिर्फ मुझे अभी थोड़ा सा कुछ खाने का मन कर रहा है, मे बी शायद मैं अभी थोड़ा सा कुछ ला के बाहर से खाऊंगा। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हो ये कितना प्यारा हो रखा है मौसम, और दूसरा ऊपर हल्की सी हवा चल रही है, अभी एक तो ना स्क्रीन पे देखते हुए इतनी देर आंखें दर्द करने लगती हैं, तो मैंने अभी स्क्रीन बंद कर रखी है, मैं बस शांति से ऊपर छत पे आया हूँ। अभी मे बी मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ के गाने सुनूंगा, शायद अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं बाहर एक वॉक के लिए भी जाऊंगा, अभी फिलहाल तो बस मैं यहीं बैठूंगा, थोड़ी देर हवा लूंगा और ये व्यू एंजॉय करूंगा। और एक और बहुत अच्छी बात की आज हम लोग दृश्यम देखने वाले हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है मतलब दृश्यम 2 देखते हैं शाम को, मतलब कैसी लगती है क्या कुछ होता है जो भी होगा आपको रिव्यू देखने को मिलेगा ब्लॉग में। हम लोगों ने लास्ट इवनिंग को रील बनाई थी लेकिन हमने अब तक पोस्ट नहीं करी थी उसको, तो आज इवनिंग में वो रील भी पोस्ट होगी और वो रील आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, नीचे आप लोगों को हैंडल मिल जाएगा, जाके वहाँ पे देख सकते हो। अभी मैं निकला हूँ घर से ब्रेड लाने के लिए, पापा आ चुके हैं, अभी वहाँ पर क्लिनिक पे भी जाना पड़ेगा जहाँ मैंने आपको सुबह दिखाया था, तो पहले अभी मैं ब्रेड लूंगा, अगर टाइम मिला तो मैं ब्रेड थोड़ा सा खा भी लूंगा क्योंकि भूख लग रही है दोबारा मेरे को। थंबनेल भी एडिट हो चुका है और सब कुछ मतलब डन है, बस अब वीडियो पोस्ट करनी रह गई है, तो अभी मैं ब्रेड लूंगा, मैं घर जाऊंगा, फिर मैं पापा के साथ क्लिनिक पे जाऊंगा।
सो फाइनली अब मैं पापा के साथ भी दवाई लेके आ चुका हूँ। अभी फोन में बैटरी बहुत ज्यादा कम है, जिस वजह से मैं अभी फोन चार्जिंग पे लगा रखा है। मैं अभी मम्मी को लेने के लिए जा रहा हूँ। तो फाइनली अब मैं मम्मी को लेके भी आ चुका हूँ घर, और अभी फोन ज्यादा तो चार्ज नहीं हुआ, थोड़ा सा चार्ज हुआ है। का दिन बड़ा ऐसे फटाफट जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा गायब हो गया। सबसे पहले सुबह डेंटल का क्लिनिक एंड ओवर, वो सब व्लॉग एडिट, एक्सपोर्टर में बहुत टाइम लगता है, एडिट होने में भी टाइम लग गया, फिर थंबनेल बनाना, डिस्क्रिप्शन और टाइटल वगैरह सेट करना, सब कुछ में बहुत टाइम लग गया। अभी मम्मी को लेके आ चुका हूँ, पहले मैं नन्नू के घर जाऊंगा, वो लगाऊंगा शेड्यूल पे ताकि ये व्लॉग अपलोड हो सके जल्दी। मैं बार चाचू घर भी जाऊंगा, हम लोग आज एक रील पोस्ट करनी है, वो भी रील पोस्ट हो सके, और फिर उसके बाद मैं टाइम से घर है ताकि हम लोग दृश्यम देख सके। कल भी लगने वाली थी लेकिन कल भी वही मैंने लेट कर दिया तो नहीं लगी, आज लगनी चाहिए। भैया 40 वाली लिंक होगी। तो सीन कुछ इस प्रकार का है, पहले मैं नन्नू के घर गया, मैंने वहाँ वीडियो अपलोड पे लगाई, फिर उसके बाद मैं अभिषेक के पास गया, फिर हम लोग आए, इतने में वीडियो अपलोड हो गई। वीडियो अपलोड होने के बाद हम लोगों ने रील को एडिट करना शुरू किया, लेकिन हम लोगों ने वो रील पोस्ट नहीं करी क्योंकि वो वीडियो सेटिस्फाइंग नहीं थी। तो वीडियो का सीन हम लोग देखेंगे क्या होगा रील का, और वीडियो पब्लिश हो चुकी है, वीडियो का लाइव हो जाएगी। और अभी जस्ट मेरे घर से फोन आया था, मुझे बोला कि भाई घर के लिए लिमका ले आओ, मैं जस्ट अभी अभिषेक को छोड़ के निकला हूँ। ठीक है, मैंने लिमका ले लिया, अभी हम लोग घर जाएंगे फटाफट, फिर देखते हैं उसके बाद मूवी का क्या सीन होता है। वी आर नाउ एट घर, और अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, ड्रेस एंड ऑल चेंज करके कंफर्टेबल होना है, फिर खाना खाएंगे क्योंकि मुझे भूख लगी है बहुत तेज, मैंने बहुत देर से नहीं कुछ खाया हुआ, करते फटाफट। हाँ बस मैं आ गया ऊपर, मैंने फ्रेश वगैरह हो गया, चेंज वगैरह कर लिए कपड़े। मूवी का वजह सीन है कि आज तो हो गया लेट, जिस वजह से आज मूवी का सीन नहीं है, अब मतलब मूवी कल देख आएगी। अभी फिलहाल मुझे भूख लग रही है तो हम लोग खाना खाएंगे, और खाना खाने के लिए पहले खाना डालना पड़ेगा मुझे खुद से ही। अभी सबने खाना खा लिया है, वी हैव चावल, तो अभी हम लोग चावल खाएंगे। तो पहले मैं फटाफट अपना डिनर कम्प्लीट करूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। डिनर फिनिश्ड। तो फाइनली अब बज रहे हैं रात के 11, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो जितना भी चीजें हो सकती थी मैंने सारी फिल्म करने की कोशिश करी है, शाम को फोन चार्ज नहीं था जिस वजह से मैंने कुछ चीजें नहीं शूट कर पाया, लेकिन स्टिल मैं जितना दिखा सकता था आपको मैंने उतना दिखाया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, और उम्मीद तो पागल है क्या।